हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। प्रॉब्लम नंबर 23 के साथ हाजिर हैं और द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन, जहां पे हम 30 ऐसी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिसके थ्रू अगर आप निकल गए तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपकी पेंडिंग नहीं रहेगी, कोई भी कंसेप्ट आपका अनरिवाइज नहीं रहेगा। फिर चाहे किसी भी एग्जाम में, बोर्ड्स में, नीट में, जेई में, या फिर कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम, आप टीचिंग एग्जाम कोई भी आप दें, जहां पे मोशन इन ए प्लेन से क्वेश्चन आते हैं आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो या कोई भी कंसेप्ट हो, हर कंसेप्ट भी आपका इस चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। सो आज हम कोई न्यूमेरिकल ना करके नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज रिवाइज करेंगे एवरीवन, ताकि हर बात आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। ओके, सो प्लीज 15 मिनट्स की आज की कंसेप्ट वीडियो रहने वाली है, ध्यान से सुनना है, फिर आप सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर देंगे और अपने 24th से लेकर 30th क्वेश्चन आज सीखे हुए कंसेप्ट के बेस पे ही रहने वाले हैं एवरीवन। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज कंसेप्ट। बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो हम नॉर्मल सी बात है, आप सब बता सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता होगा, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्मली यानी एक जैसी स्पीड से लगातार चले, लेकिन अगर सर्कल में चलते हुए बॉडी की स्पीड लगातार आप चेंज कर रहे हैं, यानी कभी तेज हो गई घूमना, कभी स्लो हो गई, कभी तेज हो गई, कभी स्लो हो गई, यानी स्पीड में लगातार चेंज आ रहा है प्यारे बच्चों। हां, मैग्नीट्यूड स्पीड का चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी और स्पीड दोनों चेंज हो रही हैं, तो बॉडी जब सर्कुलर मोशन में चलते टाइम अपनी स्पीड लगातार चेंज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सिंपल है प्यारे बच्चों, कितनी आसान सी बात है। तो इसी के बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात कि ये अपने पास एक सर्कुलर पाथ था, हाँ, इसके अंदर कोई पार्टिकल मान लिया यहां पे था, इस पॉइंट पे है, तो यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जब घूम रहा है प्यारे बच्चों, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, बिल्कुल है। तो ये अगर V1 है तो यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है प्यारे बच्चों, जो V2 है तो V1 का मैग्नीट्यूड विल नॉट बी इक्वल टू V2's मैग्नीट्यूड। ओके, हाँ, ये वेलोसिटी चेंज होगी प्यारे बच्चों, यानी मोशन नॉन यूनिफॉर्म, ये मैग्नीट्यूड की बात है ना। हाँ, ऐसे लिख दो या फिर सीधा ऐसे भी सही लिखा था, इसका मतलब वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड ही दिखा रखे हैं, एक ही बात है ये दोनों, क्लियर। हाँ, तो प्यारे बच्चों दोनों अलग अलग होंगी, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, इसका मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब जैसे सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड सेम रहती थी, स्पीड क्या रहती थी प्यारे बच्चों, सेम रहती थी। अच्छा, एंगुलर स्पीड ओमेगा भी क्या रहती थी, सेम रहती थी। तो इस केस में ना तो स्पीड सेम रहेगी ना ही एंगुलर स्पीड सेम रहेगी, क्लियर। हाँ, तो पहले साइकिल में चलते टाइम उसकी स्पीड चेंज हो रही थी प्यारे बच्चों, तो नॉर्मल सी बात है दूसरे साइकिल में 2π अलग टाइम में कवर करेगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट साइकिल, बिकॉज स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड। तो सर फर्क क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड है, तो फर्क क्या हुआ सर? प्यारे बच्चों फर्क है एक्सेलरेशन कौन से वाली है अब। हां, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होती है बॉडी के पास, जो बॉडी को लगातार सेंटर की तरफ बनाए रखती है ना, हाँ, सर्कल में चलाए रखती है, यानी उसकी हर स्टेप पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो चेंज करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन उसको बोला था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चाहिएगी क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? हाँ सर, क्योंकि डायरेक्शन तो अभी भी चेंज होनी है ना हर स्टेप पे, हाँ, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब एक एक्सेलरेशन और चाहिए। हम ये पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैन नॉट चेंज द स्पीड, हाँ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड भी चेंज करनी है ना बॉडी की, बिल्कुल करनी है सर। तो अगर स्पीड चेंज करनी है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन चाहिए, हाँ, कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए ना, हाँ, जो इसकी स्पीड चेंज करवा दे, तो वो कौन सा फोर्स या वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी प्यारे बच्चों जो इसकी स्पीड में चेंज करवा सके? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था स्पीड में चेंज तो तब होता है या तो जिस तरह बॉडी जा रही है उसको धक्का दे दो, या सामने से उसको अपोजिट
फोर्स लगा दो, स्पीड या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। हां तो प्यारे बच्चों, जिस तरफ वेलोसिटी होती है ना, उसी डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन होती है, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होती है जो कि टेंजेंट के अलोंग है या टेंजेंट के अपोजिट है, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एटी। अब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यह तो पता चल गया ना कि स्पीड चेंज के लिए सेंटीपेडल एक्सेलरेशन जिम्मेवार नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन हर स्टेप पे चेंज करने के लिए जिम्मेवार है। स्पीड चेंज करने के लिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिम्मेवार है, जो या तो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी किसी पॉइंट पे, या उससे अपोजिट होगी। पढ़ेंगे इसके बारे में, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। तो चलिए एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। क्या चीज एंगुलर एक्सेलरेशन? सर नॉर्मली एक्सेलरेशन पढ़ा था, हां चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन आ जाती थी, लेकिन यहां पे प्यारे बच्चों सर्कल में घूम रही है बॉडी, तो एंगल में चेंज आ रहा है पर सेकंड, तो एंगल में चेंज पर सेकंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होगा पर सेकंड उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देंगे। क्या क्लियर है ये बात? ये हम दिखाएंगे नहीं कहीं पे सर्कल में कि कहां पे लग रही है, आपको नहीं पढ़ना, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। आपसे कोई एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछे तो बता देना भाई इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे? अल्फा से, थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी को, और अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। अब सुनो, तो सर अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी, है ना? हां, अरे एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वही तो हुआ, हां। या फिर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे? अरे डी की बजाय डेल ले लेंगे सर, हां चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ये तो बात क्लियर है प्यारे बच्चों सबको, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। अब एक बात तो कॉमन सेंस मुझे बता दो प्यारे बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती थी? याद दिलाऊं, अगर बॉडी की अगर बॉडी उस तरफ जा रही है प्यारे बच्चों, और बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है, मानते हो? हां। लेकिन अगर बॉडी उस तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी उस तरफ है, और उसकी वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ। कितनी बार बताऊं आपको? बता चुका हूं ना मैं, कंसेप्ट के बेस पे बात करता हूं, फिजिक्स में जो भी पढ़ा जाना बाकी मैं उसकी बात कभी नहीं करता, क्योंकि आपको मैंने वो सिखाया ही नहीं अभी, चलेंगे उसके पास, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उसको तो यूज कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों। फिजिक्स की खूबसूरती यही है, जो आज तक पढ़ा है अगर वो आता है तो ये सारा समझ में आएगा, लेकिन अगर जो आज तक पढ़ा है उसमें कमी है तो जाइए प्यारे बच्चों पीछे एक बार वो पढ़िए। अगर आप डायरेक्ट अपने मेरे इस बैच को सब्सक्राइब कर रहे हैं और डायरेक्ट अपने स्कूल के हिसाब से ये वाली यूनिट उठा ली, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा ही नहीं, सीधा मोशन इन्हें प्लेन पढ़ने लग गए, तो प्यारे बच्चों दिक्कत आएगी आपको मुझसे पढ़ने में, क्योंकि मुझसे अगर प्लेन में मोशन सीखना है तो स्ट्रेट लाइन मोशन मुझसे ही सीखा हुआ होना जरूरी है, है ना? या कोई भी टीचर प्यारे बच्चों, अरे आप दो सीढ़ी छोड़ के नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरने का डर है ना, वही बोल रहा हूं आपको, सीढ़ी दर सीढ़ी चलिए, ओके। हाँ दिक्कत नहीं आएगी इतनी फिर मेरी गारंटी है, ये सारे कंसेप्ट में सिखा चुका होता हूं, इसीलिए मेरे बच्चों को या मेरे स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से बहुत कम समस्या आती है फिजिक्स में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, अब आगे चलना है, क्लियर, जो पढ़ा दिया वो समझ लिया। तो अब सुनो भाई, डी ओमेगा बाई डी टी दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन, अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ये बात डेल ओमेगा बाई डेल्टी, अब ये बात प्यारे बच्चों कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी अल्फा की। तो अगर बॉडी की सर्कल में चलते टाइम लगातार वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी, क्लियर। और अगर सर्कल में चलते टाइम घटती जा रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पे एक छोटा सा सर्कल मैंने बना दिया प्यारे बच्चों इस तरह से, तो इस सर्कल में चलते टाइम अगर आपकी ओमेगा इस तरफ है और ये चेंज हो रही है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर ओमेगा बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है तो अल्फा विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन, ओके क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है भाई, लेकिन अगर चलते टाइम
एंगुलर वेलोसिटी अगर घट रही है प्यारे बच्चों, बॉडी लगातार स्लो होती जा रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगी। क्लियर क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जिस तरफ चलने में, जिस तरफ बॉडी घूम रही है, मान लिया बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर घूमती हुई बॉडी की एंगुलर स्पीड लगातार कम होती जा रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उस एंगुलर स्पीड के, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? सो नोट, यस, सो वी कैन, बेस्ड अपॉन द सेम वी कैन से दैट इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? बट इफ द रिवॉल्विंग बॉडीज angular speed is decreasing continuously, then angular acceleration will be opposite to the direction of motion of the body, yani opposite hogi fir wo. Clear hai pyare bachcho? Isko hum kabhi ye nahi dikhate ki batana sir ye hai kya angular acceleration ya ye hai kya ya ye hai kya, no, aisa iska physical hum significance yahan nahi dikhate, is tarah se find out karte hain. Clear hai pyare bachcho? Aapse koi angular acceleration puche, ye formula hai, ye formula hai, omega given milega, time given milega, nikal dena. अब एग्जांपल क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का? प्यारे बच्चों, आपने फैन को स्विच ऑन किया, आपका फैन घूमने लग गया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे कर दूं, ठीक है, मान लिया आपने फैन ऑन कर दिया, फैन ऐसे घूमने लग गया, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हां, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है प्यारे बच्चों, उसी तरफ है जिस तरफ घूम रहा है फैन आपका। क्लियर? हां, अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, एक जैसी स्पीड से घूमने लग जाएगा। हाँ, अब लगातार सेम एंगल ट्रेस कर रहा है सेम टाइम में, अब एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो हो जाएगी। हाँ, स्विच ऑन करने के थोड़ी देर के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो एक जैसी स्पीड से लगातार घूमने लग गया। सो चेंज इन स्पीड, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गया प्यारे बच्चों थोड़ी देर के बाद। अब आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो अब फैन क्या होगा, तेज घूम रहा था, स्लो होता जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी उसी तरफ है जिस तरफ यह घूम रहा है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन अब उल्टा हो जाएगी। क्लियर? क्या तीनों के तीनों एग्जांपल क्लियर है आपको? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। सिंपल प्यारे बच्चों, अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर ये तो समझ में आ गया कि एंगुलर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो डायरेक्शन चेंज करती है। हां, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करती है? अरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, सिंपल एक्सेलरेशन है ये, लेकिन सर्कल में चलते टाइम। ओके, हां, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब बोल देंगे इसी एक्सेलरेशन को जब ये स्पीड को चेंज नहीं कर रही लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है। क्लियर? अब बात करते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। ध्यान से सुनना है, अनदर इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी वन। ओके, तो प्यारे बच्चों, द एक्सेलरेशन व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट्स स्पीड, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट्स एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड, that is the tangential acceleration, and this acceleration will be along the tangent at any point if angular velocity is increasing, and it will be opposite to the tangent at any point if angular velocity is decreasing. फिर से बताता हूं प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आसान है, मजेदार चीज है। देखो, यहां पर हमने क्या किया, यह अपनी बॉडी इस तरह से घूम रही थी प्यारे बच्चों, तो यहां पर जब बॉडी है तो इसके एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, बिल्कुल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ है, हां, ए सी इस तरफ है, तो इसकी स्पीड बढ़ानी है तो इसके डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हां, तो जिस तरफ वेलोसिटी थी प्यारे बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी तरफ होगी इफ इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है घूमती हुई बॉडी की प्यारे बच्चों, यानी एक्सेलरेशन है इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर अगर वेलोसिटी उसकी कम हो रही है प्यारे बच्चों, इस तरह से यहां पे अगर हम बनाएं कि भाई यहां पे थी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो घटती जा रही है, इफ वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, स्लो होती जा रही है बॉडी, तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन तो इस तरफ हुई ना फिर। हां, सो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
सर्कल में चलती हुई बॉडी की किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगी अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और अपोजिट टू वेलोसिटी होगी अगर वेलोसिटी घटती जा रही है। प्यारे बच्चों सिंपल है, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिंपल है या नहीं है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब आप बोलेंगे कि सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इन दोनों का यूज करके एक्सेलरेशन बनती है क्या? हां प्यारे बच्चों, तो नेट एक्सेलरेशन जब भी आपसे पूछे, ये बता दिया मैंने आपको, हां इतना आया समझ में? तो अब जब भी आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछे तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? देखो सर्कल में जो बॉडी चल रही थी ना, कैसा गंदा सर्कल बना दिया सर, सर्कल में जो बॉडी चल रही थी वो अगर यहां पे थी, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है मान लिया, तो इसके परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसी डायरेक्शन में क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल एक्सेलरेशन बॉडी की इस तरफ कहीं होगी, मानते हैं आप? हां, ये रिजल्टेंट होगा, ये ए नेट होगा प्यारे बच्चों। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट ये आया, तो मैं ए नेट क्या लिखूंगा? ए नेट क्या लिखूंगा? अंडर रूट ए सेंट्रीपेटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। याद रखना प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दोनों एक्सेलरेशंस का स्क्वायर का सम करके अंडर रूट कर दो, आपके पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी। सिंपल है ना? यही क्यों किया? अरे प्लस टू ए सी ए टी कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना है? ए सी और ए टी के बीच, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ए सी और ए टी दोनों परपेंडिकुलर हैं प्यारे बच्चों। कोस 90 जीरो, तो पीछे का सारा जीरो। अरे दो वैक्टर्स थे, वैक्टर एडिशन किया यार, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा, थीटा 90 है तो कोस 90 जीरो, तो पीछे वाला सारा जीरो। या फिर इसको इस ट्रायंगल से निकाल लो, क्लियर है ना? हाँ, इसको उठा के यहां रख दूंगा तो क्या बन गई? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस पे। हाँ, ये हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये रहा ऐसे कैसा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे बोथ साइड, इसका हट जाएगा स्क्वायर से और उसके ऊपर चला जाएगा अंडर रूट। क्लियर है प्यारे बच्चों? कितना आसान था ये, सिंपल है या नहीं? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर ये क्लियर है तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी नेट एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट करने में।